कात्यायनी महादेवी चंद्रघंटा महातपाह सावित्री सात गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्ण पिंगला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी। नमस्कार मित्रों, आज के इस युग में व्यक्ति अपनों से ही धोखा खा बैठता है और उनको वापस अपना बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के वो जतन करता है, मगर उसको असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वो व्यक्ति उससे इतना दुष्प्रभावित हो चुका है कि वो उसकी एक बात भी मानना नहीं चाहता है। या तो किसी प्रकार की गलती भूलवश के लिए या फिर क्रोधवश कई बात उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि वो व्यक्ति भूल नहीं पाता है और उस व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं होता है और वह वापस आपके पास नहीं आना चाहता है या आपसे संबंध नहीं रखना चाहता है। चाहे बाप बेटे का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, हर प्रकार के संबंध जो होते हैं उनमें कटुता आ ही जाती है। घर घर की यह बात एक आम बात हो चुकी है। ऐसे समय में ये आवश्यक है कि हम हमारे शास्त्रों का उपयोग करते हुए अगर उन आवश्यक कार्यों के लिए, यानी कि हम उन संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रूठ गया है उसे फिर से मनाया जाए, उसके हृदय को द्रवित किया जाए, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में काफ़ी चमत्कारिक मंत्र दिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख मंत्र जो कि माता चामुंडा का मंत्र माना गया है और बड़ा ही प्राचीन है, अद्भुत है, दिव्य है और अलौकिक है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र इतना ताकतवर है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात में जिस व्यक्ति का आवाहन किया जाता है तो वह व्यक्ति द्रवित हो हुआ आपके पास चला आता है या किसी न किसी प्रकार से आपसे संपर्क साधता है या आपके अनुकूल बात करता है। इसमें बिल्कुल भी कोई प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि यह आजमाइश किया हुआ प्रयोग है और सिद्ध प्रयोग है और प्राचीन काल का प्रयोग है। हमारे तंत्र शास्त्रों की उपलब्धियों के अनुसार हमारे शास्त्रों में उद्दिष्ट तंत्र का यह बड़ा ही प्राचीन मंत्र है। वैसे तो उद्दिष्ट तंत्र के लगभग पांच प्रमुख भाग हैं और उन पांचों को पढ़ना नामुमकिन है, और एक भी अगर पुस्तक पढ़ ली जाए तो उसमें भी कम से कम साल दो साल लग जाते हैं, मगर उन सब को गठजोड़ करके छान करके जो ये मंत्र निकाला गया है जो कि बड़ा ही चमत्कारी है। मगर इस मंत्र में सावधानी इसी बात की होनी चाहिए कि इस मंत्र का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना हो, यानी कि अपने आवश्यक सत्य के साथ चलते हुए उसी सत्य की अनुकरणा करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है और अपने रूठे हुए जो भी आपसे रूठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो आपका पुत्र है, चाहे आपके पिता है, चाहे आपकी माता है, चाहे आपका भाई है, बहन है, पति है या पत्नी है, उन सभी के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जा सकता है और निरंतर इस मंत्र का जप 11 दिन के अनुष्ठान के अंतर्गत किया जाता है और इस मंत्र के प्रभाव से वो व्यक्ति तुरंत ही जैसे जैसे मंत्र जागृत होगा, सिद्ध होगा, वैसे वैसे उसका हृदय आपके प्रति द्रवित होता चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बशर्ते पहले मंत्र को सिद्ध किया जाना जरूरी है और मैं इसका मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद इसका विधान मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के पश्चात में सिर्फ एक बार इस मंत्र का बोलने से, यानी कि उस व्यक्ति के अगर वो व्यक्ति आपके सामने है या चाहे आपके ऑफिस का बॉस ही क्यों ना हो, तो उसको भी आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आपका कहना नहीं मानता है, आपका अपमान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और यह मंत्र इस प्रकार है, ओम चामुंडे जय चामुंडे मोहय वशमाने अमुकम स्वाहा। मंत्र दोबारा सुने, ओम चामुंडे जय चामुंडे मोहय वशमाने अमुकम स्वाहा। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम आपको रखना है जिसका हृदय आपको द्रवित करना है, जो कि आपकी बात नहीं मानता है, आपका कहना नहीं मानता है, आपसे बार बार झगड़ा करता है, जंजाल करता है, आपको परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। अगर आप इस मंत्र को जागृत करके सिद्ध कर लेंगे, माता शेरों वाली की तस्वीर के सामने बैठ करके और अमुक व्यक्ति की तस्वीर अगर आपके पास उपलब्ध हो उसको सामने रख
करके और लाल कनेर के पुष्प को पास में रख करके इसके मंत्र का आपको स्फटिक की माला से जप करना है। जप की संख्या नित्य आपको कम से कम इस मंत्र की 108 यानी कि एक माला नित्य करनी है। 11 दिन तक आपको नित्य करनी है। उसके पश्चात यह मंत्र स्वतः जागृत हो जाएगा और शुक्रवार के दिन आपको यह साधना आरंभ करनी है। तत्पश्चात ही आपको प्रयोग आरंभ करना है। धन्यवाद।